तो वेलकम बैक, वापस से आ चुका है हमारा ब्लड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला ह्यूमन फिजियोलॉजी बायोलॉजी का चैप्टर, जिसको आज हम जो है एंड करने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको जो इस पर लास्ट टॉपिक कराया था वो था हमारा हार्ट का ओरिजिन। मैंने हार्ट के ओरिजिन के बारे में, उसकी वॉल्स के बारे में, उसके अंदर वॉल्व्स के बारे में और उसके जो हमारे नोड्स प्रेजेंट होते हैं उन सबकी बातें करी थी। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि नोड्स जो होंगे वो आप इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं, अच्छे से उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो एक बार वापस से मैं आपको इसमें नोड्स वाली चीज जो है वापस से बता देता हूँ, वाल्व्स वाली चीज भी मैं आपको वापस से एक बार बता देता हूँ। तीन तरह के हमारे पास वाल्व्स प्रेजेंट थी। एक थी बाइकस्पिड वाल्व्स, बाइकस्पिड वाल्व्स। एक हमारे पास थी ट्राइकस्पिड वाल्व्स। एक हमारे पास थी बाइकस्पिड वाल्व, एक थी हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व और एक हमारे पास थी सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व, ये तीन तरह के हमारे पास इसमें वाल्व्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अच्छा, तो इसमें से बाइकस्पिड वाल्व कहाँ थी ये भी एक बार और आपको बता देते हैं। बाइकस्पिड वाल्व कहाँ थी और ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ थी? बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व हमारी प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बात करते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व की। ट्राइकस्पिड वाल्व एक बार और, ट्राइकस्पिड वाल्व कहां प्रेजेंट है? ये होएगा बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो है प्रेजेंट है। सेमी लूनर वॉल्व कहां प्रेजेंट थी? बिटवीन एओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड दैट व्हिच इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारी जो है सेमी लूनर वॉल्व प्रेजेंट है। नोट्स की बात करते हैं। नोट्स में भी मैंने आपको जो है बताना था, नोट्स मैंने बताया था आपको जो थे हमारे पास दो तरह के नोड्स हैं। एक का नाम है एस ए नोड। व्हाट डू यू मीन बाय एस ए नोड? एस ए नोड फुल फॉर्म से एट स्पाइनो एट्रियल नोड। एंड अगला है हमारा ए बी नोड। व्हाट डज इट मीन? ए बी नोड इज नोन एज द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। तो इसका मेरे को जो इस बार यूज बताना था, फिर हम कार्डियक साइकिल की बातें करें। तो इस बार वापस से एक बार अच्छे से इस नोड्स को मैं आपको बता देता हूं। तो बनाते हैं इस बार, ये जो है हार्ट का हमारा राइट एट्रियम, ये हमारा है लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा हार्ट मैंने बना दिया। इसकी और थोड़ी बॉल समथिंग बना देते हैं ताकि जो है मैं आपको इसमें बता भी पाऊं कि मेरे को क्या क्या चीजें बतानी थी। अच्छा, आज ये वाला चीज खत्म, ये वाला चैप्टर खत्म और नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे मे बी एक्सक्रीशन या फिर लोकोमोशन या बोन्स वाले चैप्टर। सारी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, सीखने के लिए भी, समझने के लिए भी, और याद तो होने ही चाहिए सारी चैप्टर, क्योंकि किसी स्कूल का कुछ नहीं पता। और ये तो आगे के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि नीट में मेन पोर्शन बायोलॉजी 11th में इसी चैप्टर से कवर अप हो जाता है। हर चैप्टर से दो क्वेश्चन मिनिमम होते हैं और या फिर कभी कभी किसी किसी में तीन क्वेश्चन भी आ ही जाते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं। तो ये हमारे पास प्रेजेंट। लास्ट टाइम की एक गलती है जिसको अभी हम सही करते हैं। जो हमारा साइनो एट्रियल नोड है वो हमारा प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ आर राइट एट्रियम। राइट अपर कॉर्नर मतलब लेट सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से हमारी वेना कावा आ रही है, सॉरी वेना कावा जो है यहां आ रही है, इट इज आर वेना कावा आ रही है, वेना कावा इधर से वेना कावा आ रही है और इधर लेकर, तो यहां पर ही उसको एक नोड मिलेगा। लाइक हमारा राइट एट्रियम, इसका राइट अपर कॉर्नर कौन सा आएगा? ये होएगा इसका राइट अपर कॉर्नर, राइट एट्रियम का राइट साइड में अपर कॉर्नर ये वाला एरिया
इसको यहां हमने बताया इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट इट इज आर एस ए नोड। ये हमारा एस ए नोड है। एस ए नोड का काम क्या होता है? एस ए नोड यूज टू जनरेट एन इम्पल्स फॉर द हार्ट टू पंप द ब्लड, इट इज इट्स फंक्शन। का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन लिखते हैं और समझाते हैं इसके फंक्शन में क्या यूज हुआ हमारा। इट जनरेट्स एन इम्पल्स फॉर द हार्ट टू पंप द ब्लड, इट जनरेट एन इम्पल्स फॉर द हार्ट टू पंप द ब्लड। जस्ट ये इसका फंक्शन होता है कि हाँ ये इम्पल्स जनरेट करता है। इम्पल्स मतलब एक सडन टॉक देता है कि हाँ पंपिंग शुरू करो, खून आ चुका है ब्लड के अंदर। ये इस काम में आता है, इसको आपको याद रखना जरूरी है। हमारा एस ए नोड का काम ये होता है। एस ए नोड के नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? मैंने आपको बताया था इट इज ए बी नोड। ए बी नोड का हमारे जैसे ये है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ए बी नोड इज प्रेजेंट इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम है, अगर ये आप इसमें अब भी कंफ्यूज हो रहे तो वापस एक बार वीडियोस देखा जिसमें हार्ट के बारे में बताया। इट इज आर राइट एट्रियम, इट इज आर लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? लेफ्ट, ये एल्टी लेफ्टिनेंट नहीं है, लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इट इज आर राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, खत्म। इस बात इसके बाद इसमें और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वैसे ही चैप्टर खत्म हो रहा है। तो हमारा मैं जो बता रहा था वो पॉइंट आता है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम देयर इज एस ए नोड एंड ऑन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सेम राइट एट्रियम देयर इज ए वी नोड। ए वी नोड्स फुल फॉर्म इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। सो मे बी समहाउ हियर इज आवर ए वी नोड। Let's get it here and write its function. AV node. SA node क्यों बन गया? Sino atrial node. याद रखो, लिख लो, notes बना रहे हो तो लिख लो, मैं यहाँ full form नहीं लिख रहा हूँ, short में ही समझा रहा हूँ। Sino atrial node is the full form of SA node. AV node की full form है atrio ventricular node. Here. इधर क्या है? क्या नाम बताया इसका? It is the AV नोड, ए वी नोड। ए वी नोड का फंक्शन क्या है? ए वी नोड का इट हेल्प्स साइनोएट्रियल नोड्स इंपल्स, इट हेल्प्स साइनोएट्रियल नोड्स जनरेटेड इंपल्स टू गेट पुश डाउन टुवर्ड्स द फाइबर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। इनका फंक्शन क्या है? जो यहां से इंपल्स जनरेट होकर यहां तक आया उसको और नीचे तक ले जाना ताकि वो इजिली स्कैटरेबल या इजिली फ्लो होता रहे पूरे हार्ट में। एवी नोड्स का फंक्शन आपको पता चल गया। एवी नोड्स के बाद इसमें और क्या है? यहां से आते हैं तो यहां पर शुरू होता है बंडल्स करके, इधर से यहां बंडल्स में शुरू हो जाता है सामान आना और यहां से ये इनमें बट जाता है, यहां से इसमें ये भी बट गया और एट दी एंड यहां हमारे पास क्या बचा? यहां से ये यूं ऐसे 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 पूरे हार्ट की वॉल्स में ऊपर तक चला जाता है। सेम यहां भी ऐसे ही होता है। तो ये होते हैं हमारे हिस बंडल्स, इनका भी नाम है। इनका नाम क्या है? यहां से लेकर यहां तक का नाम क्या है? हिस बंडल्स, हिस बंडल। और ये जो है, ये यहां पर फाइबर्स जो बने हैं इनका नाम होता है परकिंजी फाइबर, परकिंजी फाइबर्स, परकिंजी फाइबर्स और हिस बंडल्स। परकिंजी फाइबर्स कौन से हैं? ये हैं, ये परकिंजी फाइबर्स, हिस बंडल, राइट राइट एट्रियम में लोअर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है हमारे पास एवी नोड और राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है एसए नोड। फंक्शन बता दिया। एवी नोड का फंक्शन में कुछ ज्यादा कुछ ऐसा एग्जाम में आता नहीं है, मेन आता है इसका। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका पूरी स्क्रीन जो अब हो जाएगी इधर। हमारी बॉडी में पेस मेकर का काम, पेस
मेकर ऑफ ह्यूमन बॉडी। पेस मेकर क्या है? पेस मेकर जो उस हार्ट की पंपिंग का पेस जो है उसको मेंटेन रखता है कि हाँ इतने पेस में ही काम होना चाहिए, वो पेस मेकर कौन है हमारी ह्यूमन बॉडी का? दैट इज नथिंग बट SNO इज द पेस मेकर ऑफ ह्यूमन बॉडी। आंसर इज SNO हो गया हमारी बॉडी का पेस मेकर। तो अब AV नोड क्या है? AV नोड इज नथिंग बट द पेस सेटर। ये पेस को सेट रखता है ऑल ओवर द टाइम ड्यूरिंग द हार्ट साइकिल। AV नोड SNO जनरेट कर रहा है, AV नोड उसको मेंटेन कर रहा है, सेट करके रख रहा है कि वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारी बॉडी का फुल जो मेरे को आपको इसमें बताना था। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना तो आप ले सकते हैं, एक सेकंड का टाइम। वापस जो अब हमारा आज का मेन टॉपिक है उससे हम शुरू करेंगे, कार्डियक साइकिल। बात करेंगे पहले कार्डियक साइकिल की। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है पहले हम आपको बताते हैं। नॉर्मल हार्ट बीट इधर शुरू होंगे कुछ इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी का नॉर्मल हार्ट बीट क्या है? हमारी बॉडी का नॉर्मल हार्ट बीट है 72 टाइम्स और पर 60 सेकेंड्स, मतलब पर 60 सेकेंड्स लाइक एक मिनट में 72 टाइम्स हार्ट हमारा बीट करता है। 72 टाइम्स पर सेकेंड। तो ये हमारा हो गया हमारी बॉडी का हार्ट रेट। अच्छा तो अब हमारी बॉडी में 60 मतलब हम देखें अगर 60 सेकेंड के लिए 60 सेकेंड ये एक मिनट का है, सॉरी पर मिनट, 60 सेकेंड का अलग से निकालेंगे, इट इज पर मिनट। अच्छा तो अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज करूँ कि मैं अगर मिनट्स को तोड़ दूँ तो वी गॉट 60 सेकेंड्स 72 टाइम्स इज पर मिनट, 60 सेकेंड टोटल होते हैं एक मिनट में, तो एक सेकेंड का मेरे को निकालना है। तो फॉर 60 सेकेंड्स हमको करना पड़ेगा 60 डिवाइडेड बाय 72। तो 60 डिवाइडेड बाय 72 हमने करा, हमको यहाँ मिलेगा 0.8 सेकेंड्स। आप करके देख सकते हैं 0.8 सेकेंड्स आपको जो इसमें मिल जाएगा। तो 0.8 सेकेंड्स का हमारे पास प्रेजेंट है कार्डियक साइकिल। इधर बताते हैं कार्डियक साइकिल क्या है। शेप्स लेते हैं सर्कल, और साथ में हाफ बाइट राइट। तो ये हमारे पास जो है हमारा कार्डियक साइकिल है, ये हमारा कार्डियक साइकिल है। अब कैसे कैसे है तो ये 0.8 सेकंड्स है, तो अब इन 0.8 सेकंड्स को कैसे कैसे डिवाइड करा है, 0.1 0.3 एंड 0.4 0.1 0.3 0.4। अब इन 0.1 0.3 0.4 में क्या क्या आते हैं उनको बताते हैं। 0.1 सेकंड्स है हमारा एट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल जो है वो भी बताएंगे। एट्रियल सिस्टोल इज फ्रॉम 0.1। 0.3 में हमारा क्या है, वेंट्रिकल सिस्टोल हमारा 0.3। और जो लास्ट बच गया हमारा जो कि है 0.4 सेकेंड्स का, इट इज नथिंग बट इट इज आवर जॉइंट डायस्टोल। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक स्पेलिंग में देखा जाते हैं, डायस्टोल होता है। तो ये हमारा जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो अब इनको समझते हैं यहाँ पर कैसे। अच्छा मेरी बॉडी में लंग्स में से पल्मोनरी वेन जो है ब्लड लेके गई लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आया
उसके 0.1 सेकंड्स के अंदर अंदर ही एट्रिया वेंट्रिकल में ब्लड भेज देगा। ये खून आया, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो लेट सपोज ये हमारा है लेफ्ट एट्रिया, इसके नीचे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ हमारा राइट एट्रिया, उसके नीचे ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो यहां से जो आया खून, यहां से जो कौन लेकर आया, डबल सर्कुलेशन वाली चीज बताएंगे तो बता देंगे वापस से, जो ब्लड लेकर आया पल्मोनरी वेन, जैसे ये इसके अंदर आया, जैसे ये ब्लड इसके अंदर इकट्ठा हुआ, यहां पर मेरे पास बचेगी, हमारे पास मैं बताया इधर की साइड होती है हमारी बाइकस्पिड वाल्व्स, तो बाइकस्पिड वाल्व्स जैसी खुलेंगी, ये खुल के सारा खून इस जगह पर कितनी देर में इकट्ठा होएगा, इन 0.1 सेकंड्स, यहां से यहां खून ट्रांसफर। अब यहां से इधर से ऐसे एक नली जाती है, ये होती है एओर्टा, हाँ ये होती है एओर्टा। तो अब यहां से 0.1 सेकंड्स में यहां से यहां खून आ गया, ये चीज हुई 0.1 सेकंड्स के अंदर, और अब यहां से इस नली के अंदर खून जाएगा 0.3 सेकंड्स में, मतलब कि 0.1 सेकंड्स के अंदर अंदर में ये सिकुड़ा खून नीचे, 0.3 सेकंड्स में ये सिकुड़ के पूरा खून इस नली में पहुंचा देगा, और ये जो है आगे चली जाएगी, कहां जाएगी, ये जाएगी बॉडी पार्ट्स तक। ये डन हमारा, ये वाला पार्ट है एट्रियल सिस्टोल, क्या होता है द क्लोजिंग और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट एट्रियम is known as atrial systole, and it is done in within 0.1 seconds while when the blood is reached towards the left atrium, atrial systole. When after atrial systole, in 0.3 seconds, all of the blood which is present in the ventricle, the left ventricle, is now pumped towards the body parts through aorta. It is known as ventricle systole. Ab agle 0.4 seconds mein kya hoga? अगले 0.4 सेकंड्स में ये दोनों डायस्टोल, मतलब डायस्टोल का क्या मतलब होता है, डायस्टोल इट मींस डायस्टोल इज रिपोलराइजेशन, आप कह सकते हो डायस्टोल का एक इकलौती चीज जो आपको यहां बतानी है इज रिटर्न टू नॉर्मल, जाहिर सी बात है दोनों सिकुड़ गए, 0.4 सेकंड्स में ये दोनों नॉर्मल पोजीशन पे रिटर्न हो जाएंगे। तो 0.1 सेकंड लगे इसको सिकुड़ के पूरा खून पहुंचाने में नीचे, इसको 0.3 सेकंड्स लगे इसको पूरा सिकुड़ के अपना सारा जो जितना खून इसके अंदर था वो इस नली में भेजने को, और 0.4 सेकंड्स लगे दोनों को सही होने में, और इतने 0.4 सेकंड्स में वापस से दोबारा खून इसमें आ गया। ये एक तरफ से, अब ये दोनों तरफ से होता है, तो ये दोनों तरफ से होता है तो इसको हम कहते हैं हमारा कार्डियक साइकिल, ये हमारा टोटल कार्डियक साइकिल हो गया है। एंड कार्डियक साइकिल जो हुआ वो होता है 0.8 सेकंड्स का, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इसके आगे टोटल कार्डियक साइकिल जिसमें से कैसे कैसे डिवाइड हो रखा है, ये हो रखा है तीन हिस्सों में डिवाइड, 0.1, 0.3, 0.4, ये भी आपको बता दिया है कैसे कैसे होता है। अब हर बार जब वेंट्रिकल जो है वो सिकुड़ेगा या वेंट्रिकल पंप करेगा एओर्टा में खून, या ये वाले वेंट्रिकल की बात करें तो वो करते हैं 70 ml, इट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, विच इज नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डियक साइकिल के बाद कार्डियक आउटपुट बताना है, तो ये वाला मैं हिस्सा मिटा देता हूँ यहाँ पर मैं आपको, ताकि बता पाऊँ कार्डियक आउटपुट के बारे में। कार्डियक आउटपुट इधर डबल सर्कुलेशन का मैं सिर्फ इधर एक डायग्राम दूंगा, अगर आपको उसे समझना है तो मैंने जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में उसको ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर अप करा है, बहुत लंबा उसको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, इधर ज्यादा एक्सप्लेनेशन उसका नहीं आएगा, उसके लिए वही चैप्टर की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस जिसमें बताया उसमें डबल सर्कुलेशन बताया हुआ है ब्लड का भी। तो इधर जो मेरे को बताना था वो है इसका स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि मैंने बताया ईच वेंट्रिकल पंप्स
अप्रोक्स 70 ml ऑफ ब्लड विच इज नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एक बारी में तो इसने 70 ml ब्लड जो है निकाल दिया, मतलब एक साइकिल, ये जो एक साइकिल हुई 0.8 सेकंड्स की, इसमें वेंट्रिकल से कितना ml ब्लड गया, 70 ml ब्लड गया, 70 जो है ये 70 ml ब्लड एक बारी में गया है। तो अब टोटल टाइम हार्ट बीट क्या है वो मैंने आपको बताया, इट इज नथिंग बट इट इज 72 टाइम्स पर मिनट, तो हर बार 72 बीट्स होती है, तो एक बार में तो 70 ml ब्लड गया, अब 72 बार कितना जाएगा तो उसको भी कैलकुलेट करना है, विच इज नोन एज द कार्डियक आउटपुट। अगर आपके पेपर में थोड़े बहुत एमसीक्यूज या वन मार्क क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कार्डियक आउटपुट भी आता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर है, आपको याद होना चाहिए, रेंज भी दी होती है। तो कार्डियक आउटपुट इज नथिंग बट स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट। तो अब ये क्या होती है मिला के इधर आपको बता देते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या आया था 70 इंटू हार्ट बीट क्या है हमारी 72 टाइम्स, तो इसको आप करोगे इट इज अप्रोक्सीमेट टू 5000 ml और 5 लीटर्स। तो हमारी बॉडी में स्ट्रोक वॉल्यूम 5000 ml या 5 लीटर्स है, इसको जो है मैं बॉक्स में कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। बस ये आपको याद रखना है स्ट्रोक कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन, हमारा कार्डियक साइकिल क्या है, कितना हमारी हार्ट बीट है और कितना हमारा कार्डियक साइकिल होता है कितने सेकंड्स का, विच इज नथिंग बट 0.08 सेकंड्स। तो ये हमारे पास कार्डियक साइकिल हुआ, डबल सर्कुलेशन मैंने आपको वहां बता दिया। नेक्स्ट चीज इज पीसीजी, जब भी किसी को हार्ट के लफड़े होते हैं वो वाले नहीं असलियत वाले, तो उनको करवाना होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से पहले बताते हैं आपको हार्ट के साउंड के बारे में, दिल कैसा आवाज करता है। तो अगर आप अपने पास अपने ऐसे चेस्ट पर हाथ रखें तो आपको आवाज आएगी धक धक की, बट वो वैसी आवाज नहीं होती है, इसमें एक अलग ही साउंड्स होती हैं जिसका नाम होता है लब और डब। लब और डब, लब कब आवाज आती है, लब LUBB अच्छा, तो लब आवाज आती है क्योंकि क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वॉल्व्स, कस्पिड वॉल्व्स के क्लोज होने पर आवाज आती है लब की, मतलब चाहे भी कोई भी चाहिए बाय हो या ट्राई हो तब लब की आवाज आएगी, लब की आवाज आएगी। अब ये डब की आवाज कब आएगी, जब दूसरी वॉल्व जो बची वॉल्व है कौन सी है, क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनर वॉल्व, जब सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होगी तो आएगी डब की साउंड। डब हो गया, डब हो गया, अब बताते हैं आपको ईसीजी। तो उसका एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ आपको समझाते हैं और देखते हैं क्या आया। उठा ये हुआ, इट इज आर ईसीजी ग्राफ, बहुत अच्छा बन गया सर। इसको हम बोलते हैं ई क्यू आर एस टी। अब ये पी क्यू आर एस टी में क्या अंतर है तो हम बताते हैं। तो हर्ट बताया था, वापस से डायग्राम बना देते हैं हर्ट का आपके लिए ताकि मैं समझा पाऊं।
नाइस, राइट अपना बन गया तैयार। अब पी साउंड कब आएगी, साउंड कब आएगी, तो पी इज नथिंग बट डी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, मतलब कि एट्रिया का ब्लड को पंप करवाना इज नोन एज दी पी वेव ऑफ दिस ईसीजी ग्राफ। अब तो यहां पर मैं लिख देता हूं पी, आसान भाषा में गए एट्रियम से कुड़ गया तो उसने खून नीचे पहुंचा दिया, वो आ गया पी। ये पी वेव जब भी आपने वो टीवी मॉनिटर्स में देखी होगी, जो मूवीज में चलती है ग्रीन लाइट से, तो उसमें पी वेव जो होती है छोटे वाली, ये दिखाती है कि एट्रियम अच्छे से काम कर रहा है। क्यू आर एस दिखाती है वो बताएंगे पहले, बाद में एंड बताता हूं। पी इज नथिंग बट पी डीपोलराइजेशन, मतलब अपनी सही से कहूं डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम इज नोन एज द पी वेव। वैसे इसको वेव बोलते हैं, तो याद रखो ये जस्ट पी नहीं लिखना आपको, इधर आपको ये लिखना है पी वेव। तो ये हो गया हमारा पी वेव इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में। अगली चीज आती है हमारे पास हमारी क्यू वेव, क्यू आर एस वेव। क्यू आर एस वेव क्या है, जैसे वो है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, जो आपको याद रखना है डीपोलराइजेशन है, डीपोलराइजेशन ये याद रखना है। इसमें क्या है, ये है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, इधर लिखने की कोशिश करते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब कि एट्रियम जब डीपोलराइज हुआ पी वेव बनी, क्यू आर एस में जब ये डीपोलराइज हुआ तो वेंट्रिकल जब डीपोलराइज हुआ तो क्यू आर एस वाली वेव जो है वो दिखाई दी। तो इसमें भी आपको डीपोलराइजेशन ऑफ इसका हुआ है वो याद रखना है, डीपोलराइजेशन हुआ है ये भी याद रखना है कि हाँ, कुछ और ना लिख के आ जाओ इस चीज को, ये भी डन। बच जाती है हमारी फाइनल वेव जो कि है हमारी टी वेव, टी वेव। तो टी वेव क्या है, अब एट्रियम्स तो हो गए, जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करूं, मैं दोनों को गिन रहा हूं, या तो दोनों में से जो भी होगा सेम वेव दिखेगी, दो बार दिख जाएगी। इसी को अगर मैं एक बार और यहां पर दिखा दूं, क्योंकि हाँ यहां पर एक चीज और है कि अगर ये पी वेव शुरू हो रही है तो कहीं से यहां पर ऐसे जो है वो टी वेव खत्म हो रही होगी और आगे भी यहां पर ऐसे टी वेव स्टार्ट हो रही होगी, तो ये एक साथ बहुत सारी लाइनें चलती दिखती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ईसीजी ग्राफ है, वो वहां से चलते आ रहा होगा। ये बन मेन बना, आपको जो मेन फोकस रखना है वो इस पर रखना है, ये बस इस पर ध्यान रखना आपको मेन, हमारे लिए मेन ये वाला है, वो वहां से खत्म हो रहा था, यहां से एक नई शुरू हो जाती है। तो टी वेव को आगे देखते हैं, टी वेव में क्या आएगा, अब एट्रियम से कुड़ गए कोई भी, वेंट्रिकल से कुड़ गए, अब दोनों सेम सही होंगे, तो डीपोलराइजेशन होने के बाद अब यहां पर होता है इसका री पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये तभी दिखती है जब वेंट्रिकल, जाहिर सी बात है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें एक चीज होती है पी और क्यू आर एस, जब क्यू आर एस वेव हो रही होती है उसी टाइम पे ये जो है रीपोलराइज हो जाता है, तो वो दिखाई नहीं देता क्योंकि ये वेव बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वेंट्रिकल्स का काम मेन है इनको ब्लड पहुंचाना है लंग्स तक भी, बॉडी पार्ट्स तक भी। एट्रियम का काम क्या होता है, एट्रियम का मेन काम है ऐसे नोड को संभाल के रखना, वो पेस को सेट करना और जस्ट ब्लड नीचे पंप होना चाहिए। तो टी वेव क्या बताता है, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, रीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियम, मेन आपको ये ऑफ सॉरी वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो ये हमारे पास हमारा ईसीजी भी खत्म होता है, दो पोर्शंस और बच रहे हैं, इसका आपने शायद स्क्रीनशॉट अब ले लिया होगा। आगे चलते हैं, अगली चीज है हमारे पास लेयर्स। तो लेयर्स हमारे पास तीन प्रेजेंट होती है, हमारे आर्टरीज में भी, हमारी वेन्स में भी। अब आर्टरीज और वेन्स में तीन तरह की लेयर्स प्रेजेंट होती है, इसमें से
तीनों का नाम लिख देते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, इनका हमको ज्यादा कुछ नहीं इसमें, बस हमको इनकी बॉल्स के बारे में बात करनी है, क्या इनकी बॉल्स कैसी कैसी बनी होती है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो इतना ही मेरे को भी आपको जो है बताना है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका मीडिया। एक्सटर्ना, एक्सटर्ना होता है हमारा मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये किसकी बनी होती है, ट्यूनिका मीडिया, कनेक्टिव टिश्यूज यानी ब्लड वगैरह उसमें, वेन्स वगैरह उसमें प्रेजेंट होती है। वेन्स तो मतलब है इसके अंदर की वॉल्स है, कनेक्टिव टिश्यू में मेनली ब्लड होता है, इतना है। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया में क्या है, चलो इंटरना वाले बता देते हैं। इट इज मेड अप ऑफ क्वामस एपिथीलियम, क्वामस एपिथीलियम, क्वामस एपिथीलियम की हमारे पास प्रेजेंट होती है हमारी ट्यूनिका इंटरना और एट द एंड, तो मतलब तीन वॉल्स प्रेजेंट है जिसमें से दो अपने ने आपको ऑलरेडी बता दी। ट्यूनिका इंटरना की बात करें तो ट्यूनिका इंटरना हमारे पास किसकी है, मेड अप ऑफ आवर कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज जो है कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी बॉडी के लिए, और स्क्वामस एपिथीलियम तो जो है नॉर्मल बेस लेयर होती है, ट्यूनिका मीडिया होती है, बाकी जितने भी एपिथीलियल टिश्यूज होते हैं, एपिथीलियल वॉल्स होती है, उन सबकी बनी हुई ये होती है। एनसीईआरटी में भी आपको ये मिल जाएगा, मेड ऑफ एपिथीलियम टिश्यू, एपिथीलियल, एपिथीलियल मेड ऑफ एपिथीलियल टिश्यूज लिख सकते हो आप, या ये सारे वैसे टिश्यूज ही होते हैं तो आप टिश्यूज ही याद रखिएगा। तो ये हमारे पास हमारा लेयर्स भी प्रेजेंट हो गया। अभी कैसे कैसे होता है ये अगर आपको विजुअलाइज कराना हो तो ये एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना और एट द एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो कैसे कैसे हैं, नेमिंग भी दे देते हैं, एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना और वो होता है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। सब कुछ बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही बनता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ना हो तो कुछ नहीं बन पाएगा, ये जब हम टिश्यूज वाला चैप्टर करेंगे तब आपको बताएंगे। तो ये होता है हमारे पास आर्टरीज और वेंस का प्रेजेंट ग्राउंड। अब हमारे पास जो है लास्ट इस चैप्टर का जो पोर्शन बच रहा है, इट इज नथिंग बट दी डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, हमारी बॉडी में हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और उसकी वजह से हम अपने ब्रेन की नर्व्स को, हमारे हार्ट को और हमारे बेसिकली बॉडी ऑर्गन्स जैसे लिवर भी कभी कभी जो होता है, ये सब स्ट्रेस लेने की वजह से ये सब जो है टेंस जो जाते हैं, वर्किंग इनकी खराब होती है और हाइपरटेंशन हमको हमारे को देखने को मिलती है। हाइपरटेंशन इज नथिंग बट दी हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर क्या आता है, हाइपरटेंशन। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है 120 बाय 80 mm ऑफ Hg, ये मरकरी होता है, mm ऑफ मरकरी में निकालते हैं हमेशा, तो जिसमें से 120। अच्छा अगर आपने ब्लड प्रेशर मशीन देखी तो ब्लड प्रेशर मशीन में दो होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, वो सेम आता है इस चीज में, सिस्टोल और डायस्टोल जो मैंने आपको बताया था, तो इधर था सिस्टोलिक प्रेशर इस वाले का, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल होने वाला जो है सेम प्रेशर एक बताता है ऊपर वाला, जो कि दोनों का मिला के इसलिए वो जो है थोड़ा ज्यादा है 120, और 80 होता है डायस्टोल जो कि दोनों का जॉइंट होता है लेकिन वो एक ही साइकिल होती है, तो इसलिए वो कम दिखता है, इसलिए वो आता है डायस्टोल। कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस,
डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मेक्स मेक्स इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट स्पेस फॉर ब्लड फ्लो. इट इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिसीज. कोलेस्ट्रॉल के डेपोजिशन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो इनसफिशिएंट स्पेस क्रिएट हो गया वेन्स या आर्टरीज में, इसके वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा. और कोरोनरी आर्टरी डिसीज और इनका दूसरा नाम क्या है ये आपको याद रखना है, एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस शायद जो है एटी है बस, एथेरोस्क्लेरोसिस एथेरोस्क्लेरोसिस ये इसका दूसरा नाम है. अगला अंजिना पेक्टोरिस. अंजिना पेक्टोरिस इज जस्ट एक्यूट चेस्ट पेन. इट इज एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन. आप जब भी पहाड़ों पर ट्रेवल करते हो और जब आपको ऑक्सीजन कम मिलती है, वैष्णो माता की अगर चढ़ाई करी है तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब वहां पर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और जब आप सांस एकदम से खींचते हो तो आपको पता चलता है कि थोड़ा सा चेस्ट में पेन हो रहा है, तो इसलिए वो चेस्ट पेन और कुछ नहीं, दिस इज अंजिना पेक्टोरिस. अब आते हैं हमारे हार्ट के तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट. लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आसानी से शुरू करते हैं. कार्डियक अरेस्ट, हार्ट स्टॉप बीटिंग, नथिंग बट इट इज क्या होगा वो कार्डियक अरेस्ट. हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट ने धड़कना ही बंद कर दिया, क्या बन गया वो कार्डियक अरेस्ट बन गया. हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट स्टॉप्स नहीं हार्ट फेलियर. हार्ट इज अनेबल टू फ्लो ब्लड सफिशियंटली, अनेबल टू गेट सफिशियंट ब्लड, अनेबल टू गेट सफिशियंट ब्लड, या तो अनेबल होता है ब्लड मिलने के या ब्लड देने के, और अनेबल टू सप्लाई सफिशियंट ब्लड, अनेबल टू सप्लाई ब्लड फ्लो. यह हमारे पास प्रेजेंट हो गया हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक. एडवांसमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस नोन एज हार्ट अटैक. तो इसको भी लिखते हैं, एडवांसमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इज नोन एज दी हार्ट अटैक. मतलब जब ये चीज एथेरोस्क्लेरोसिस वाली चीज बहुत ज्यादा होने लगेगी, दैट ऑफन लीड्स टुवर्ड्स दी हार्ट अटैक. तो इसी चीज के साथ हमारे ये जो चैप्टर है ये भी खत्म, हमारे आज के सारे टॉपिक्स भी खत्म, ये चैप्टर भी खत्म. नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे दूसरा चैप्टर, तब तक थैंक यू गाइस.